नमस्कार। प्रदेश के नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना का आगाज किया तो लगा कि अब किसानों के खराब होने वाली फसल उनकी खुशियों पर असर नहीं डाल पाएगी। लेकिन एक तरफ जहां सरकार बीमा योजना का प्रचार करती रही, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की योजना पर खुलकर हमलावर दिखा। विपक्ष ने न सिर्फ इस योजना को किसानों पर बोझ बताया बल्कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश तक करार दे दिया। उधर कुछ किसानों ने भी बीमा योजना का विरोध किया है। किसानों ने जबरन बीमा थोपे जाने के आरोपों को लेकर प्रदेश के अलग अलग शहरों में विरोध किया। हालांकि सरकार की तरफ से वक्त वक्त पर विपक्ष के हमले का पलटवार भी हुआ, लेकिन स्थिति अभी भी वैसी ही है। अब बड़ा सवाल ये कि जबरन बीमा कराने के विपक्ष के आरोपों में कितना दम है और फसल बीमा को लेकर क्यों नहीं थम रहा बवाल, इन्हीं तमाम अहम सवालों पर होगी आज की बड़ी बहस। तो चलिए जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। बड़ी बहस का पहला बड़ा सवाल कि जबरन बीमा कराने के विपक्ष के आरोप में कितना दम है। दूसरे बड़े सवाल की अगर बात की जाए तो सवाल यह कि फसल बीमा को लेकर जो बवाल है क्यों नहीं थम रहा है, विरोध के स्वर क्यों थमते नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि प्रदेश में किसानों के विरोध की कुछ तस्वीरें। किसानों का आरोप है कि सरकार उन पर जबरन फसल बीमा योजना थोप रही है और उनके बैंक खातों से बिना इजाजत के बीमा की किश्त के पैसे काटे जा रहे हैं। प्रदेश भर में किसानों ने सरकार के खिलाफ न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि बीमा योजना को वापस लेने की मांग की। तीन तस्वीरें भिवानी सिरसा कुरुक्षेत्र की हैं। फसलों का बीमा किसान की मर्जी के खिलाफ किया जा रहा है। बैंकों में क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं, उनका 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार काट रही है और रिलायंस कंपनी को दिया जा रहा है। फसल योजना बीमा है वो हम किसान रद्दी है और उसको हम कटवाना नहीं चाहते। हमें ना उसमें कुछ वही कांग्रेस नेताओं ने फसल बीमा योजना को लेकर क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनिए। 27 तारीख को यहाँ प्रदर्शन करेंगे। जो ये सरकार जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जो सिसका दिया था, किसान सिसक रहा था, ना उसको भाव मिल रहा था, ना उसको कोई सुविधा मिल रही थी, और एक जब प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू करके जो सिसकते किसान को और भारी चोट मारी इन्होंने, मतलब बगैर मर्जी के प्रीमियम काटा गया है। इंश्योरेंस का मेरे को ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अगर इसकी प्रीमियम सरकार दे तो ठीक है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीमा का तो विरोध नहीं, लेकिन जबरन जो लिया जा रहा है पैसा किसानों का, यानी जो प्रीमियम लिया जा रहा है वो जबरन लिया जा रहा है। तो इसीलिए हमने बड़ी बहस में पहला सवाल ये उठाया है कि जबरन जो बात कही जा रही है कि जबरन प्रीमियम वसूला जा रहा है, विपक्ष के इस आरोप में कितना दम है। हमारे साथ तमाम मेहमान, एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ चंडीगढ़ से गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बाकियों के। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ जुड़े हैं। गुरनाम सिंह जी आपका स्वागत है। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, INLD के नेता है, प्रवक्ता है। प्रवीण अत्रे साहब आपका स्वागत। दिल्ली स्टूडियो से सुभाष शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी आपका स्वागत। प्रदीप जेलदार साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता। प्रदीप जी आपका स्वागत। और हमारे साथ राजीव जेटली साहब भी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। राजीव जी आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब आपसे। चढ़ूनी साहब, फसल बीमा योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किसानों से जबरन प्रीमियम वसूला जा रहा है। आपका क्या कहना है इस विपक्ष के आरोप पर, क्या आप सहमत हैं विपक्ष से? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जबरन वसूला जा रहा है और जबरन में भी और गड़बड़ी ये है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूं कि मेरे अपने पास हमारे चार भाइयों के नाम 20 एकड़ जमीन है और उसमें 9 एकड़ हमारे पास गन्ना है और चारा है और 11 एकड़ उसमें धान है, लेकिन 20 के 20 एकड़ का प्रीमियम काट लिया गया जबकि गन्ने का बीमा नहीं करना था। मेरी घरवाली के नाम 2 एकड़ जमीन है, उसका
पांच एकड़ के पैसे बैंक ने काट लिए, जमीन उसके नाम 2 एकड़ है, उन 2 एकड़ में से भी 1 एकड़ गन्ना है, तो ये बिल्कुल जबरन काट रहे हैं और हमारी कोई बात किसानों के बार बार कहने के बाद नहीं सुन रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि बैंक ला ये कहता है कि बिना खाताधारी की परमिशन के बैंक दूसरे के खाते में पैसे नहीं डाल सकता। हमारे से पूछा नहीं गया, खाताधारी से पूछा नहीं गया और पैसे जो है बिना पूछ दूसरे खाते में डाल दिए गए। और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक हमने कंपनी नहीं देखी, आज तक कंपनी का दफ्तर नहीं देखा बीमा करवाने वाले ने कि कंपनी का दफ्तर कहाँ है। बीमा करने के 24 घंटे के अंदर अंदर बीमा पॉलिसी किसान को मिलनी चाहिए थी, आज तक नहीं मिली है। और दूसरा मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये सारी स्कीम सरकार ने अपना पैसा बचाने के लिए की है। पिछले साल जो जो सरकार ने मुआवजा दिया था वो 2200 करोड़ रुपए था। इस साल जो बीमे के पैसे सारे सरकार ने अपने बजट में रखे हैं केवल 350 करोड़ रुपया है। ठीक है चढ़ूनी साहब, अब मैं आपको रोकूंगा क्योंकि जो हमारा सवाल था उस सवाल का जवाब आपने उस सवाल के जवाब में आपने केस स्टडी दी और वो भी अपने खुद के परिवार के। आपने कहा कि 2 एकड़ जमीन आपकी पत्नी के नाम लेकिन 5 एकड़ का प्रीमियम काट दिया गया। एक बात आपने कही कि गन्ने का प्रीमियम काटना नहीं था लेकिन वो भी काट दिया गया, तो ये साफ तौर पर आपने कहा, 2 केस स्टडी आपने बताई। मैं चाहूंगा बिल्कुल कि अगर सरकार के अधिकारी, हालांकि राजीव जेटली साहब यहां बैठे वो देख रहे हैं, तो इस बात को जरूर नोट करें क्योंकि अगर ऐसी स्थिति है तो जाहिर सी बात है चर्चा भी होगी, सवाल भी उठेंगे। प्रदीप जेलदार साहब आपका क्या कहना है, आपके जो आरोप है, हालांकि चढ़ूनी साहब ने अपनी केस स्टडी बताई, आपका क्या कहना है? रोहित जी बिल्कुल, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों के साथ जबरदस्ती बीमा योजना के तहत उनके पैसे काटे जा रहे हैं और गुरु नाम जी ने वो एग्जाम्पल इन्हीं पूरे हरियाणा के अंदर किसान इस चीज़ को लेके बड़े उनके साथ वो अत्याचार हैं। जो आज मौजूदा सरकार है, जो योजना जो उन्होंने एक तरह से आपके सामने देखा होगा, उन्होंने गाँव को इकाई माना है। अगर वो जोत को इकाई मानते, वो खेत को लेके चलते, वो कहते हैं कि गाँव का बीमा योजना के साथ गाँव को मानेंगे, गाँव में अगर 10-12 एकड़ किसी की फसल खराब हो गई तो वो उसकी मदद नहीं करेंगे। क्या सरकार ने कहा कि जो 10-15-20 एकड़ ये ज्योतिषी हैं या फिर ये इन्होंने जो जबरदस्ती किसानों के खाते में से जो पैसा योजना के नाम से काटा है क्या उनको छोड़ना नहीं चाहिए था? अगर ये कहते हैं कि हम तो बस उसी किसान से लेंगे जिस किसान का दे पाएंगे, ठीक है। और ये आप देखिए रोहित जी कितना बड़ा इनके साथ जाती है किसानों के साथ, जिस किसान ने सरकारी उससे एजेंसी से कर्ज लिया है उस किसान का जबरन ये तो उनके साथ मजबूरी के अंदर उनका योजना बीमा जो फीस है वो काटी जा रही है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है ये प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम उनके एजेंट के रूप में सरकार काम कर रही है। ठीक है, तो आपका कहना है कि निजी बैंकों को निजी कंपनियों को फायदा देने की कोशिश आप इसे करार दे रहे हैं। प्रवीण अत्रे साहब आपकी प्रतिक्रिया इसी पर, जो हमारा सवाल ये था कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, विपक्ष जो कह रहा है जबरन वसूला जा रहा है प्रीमियम, हालांकि चढ़ूनी साहब ने केस स्टडी बताई, अपना खुद का उदाहरण दिया। देखिए रोहित, शास्त्रों में कहा है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपके सामने गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने अपना खुद का एग्जाम्पल देके जो विपक्ष आरोप इंडियन नेशनल लोकदल ने जो बात कही थी उसको साबित किया, किस तरह से उस जमीन का भी मुआवजा सॉरी प्रीमियम काट लिया गया जिसमें वो फसल है जो बीमा पॉलिसी में नहीं आती है। ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे भी लोग हैं उन एकड़ का प्रीमियम ले लिया गया जहां पे उन्होंने फसल ही नहीं लगाई है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस बीमा पॉलिसी में इतनी त्रुटियां हैं और गाहे बगाहे जब चर्चा होती है उन त्रुटियों के ऊपर बात हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से कभी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि किसानों के हित को सोचते हुए उस योजना को या तो लंबित करे या त्रुटियों को खत्म करे। अब आप एक एकड़ के हिसाब से प्रीमियम तो आप एकड़ के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन जब आप मुआवजा देंगे तो वो आपकी इकाई हो जाएगी गांव। और ये बात सभी जानते हैं कि जब भी नेचुरल कैलामिटी से नुकसान होगा तो जरूरी नहीं है पूरे गांव का नुकसान हो जाए।
ऐसा भी है, बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि अगर गांव में 2000 एकड़ जमीन है तो जो नुकसान हुआ है वो मात्र 100 एकड़ का हो या 200 एकड़ का हो, लेकिन स्कीम के अंदर जिस तरह से मुआवजा निर्धारित करने के नियम है उससे बड़ा क्लियर हो रहा है कि इकाई गांव है, मतलब जो 200 एकड़ फसल खराब होगी उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। रोहित, क्योंकि इंश्योरेंस का बेसिक फंडा होता है कि ज्यादा लोगों से पैसा इकट्ठा कीजिए और उस पैसे में से जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको भरपाई कीजिए, ये इंश्योरेंस का एक बेसिक फंडा है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपने घर से पैसा देने नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पे सरकार की नीयत बड़ा स्पष्ट है, सरकार इस वक्त इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम कर रही है, इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार किसानों का हित सोचती, वैसे तो सरकार ने अपनी नीयत उसी वक्त बता दी थी जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने से पलट गए थे। सरकार की राजीव जी से सुभाष जी के पास भी आएंगे, हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। राजीव जेटली साहब बताइए साहब, गन्ने तक का प्रीमियम ले रहे हैं आप लोग, यानी आपने इतनी छूट दे दी है, और दूसरी बात 2 एकड़ जमीन का की बजाय 5 एकड़ जमीन पे प्रीमियम दे रहे हैं, और ये तो ऐसे शख्स की आप बीती है जो अपने आप में किसान नेता है प्रदेश के और गांव को इकाई मान रहे हैं। देखिए रोहित जी जी, सबसे अच्छी बात ये है कि आज हमारे साथ किसान लीडर बैठे हैं जी, और किसान नेता ही एक ऐसा नेता होता है जो किसानों को समझा सकता है। लेकिन आपने तो नेता के ही अकाउंट से प्रीमियम निकाल लिया, नेता जी खुद कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं 2 एकड़ की बजाय 5 एकड़ का प्रीमियम काट लिया, गन्ने तक का प्रीमियम काट लिया, तो नेता जी क्या करेंगे बताइए। यही बता रहा था मैं रोहित जी, आप बीच में आपने कहा, साहब बताइए बताइए, हम को बोलने देंगे तो बता पाऊंगा। जी जी बिल्कुल, आप बोलिए। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसान जो होता है वही नीतियों को, सरकारी नीतियों को किसानों को जाकर बताता है जी। अभी अपना प्रदेश जो हमारे अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के गुरनाम सिंह जी, इसी चैनल पर पूछता हूं मैं इनसे, इनकी जो फसल का रिकॉर्ड जो गिरदावरी इन्होंने करवाई थी लास्ट, वो कौन सी फसल की करवाई थी, जो फसल बीमा योजना में साफ लिखा है कि जो आपका रिकॉर्ड मेंटेन है उसके हिसाब से आपका मुआवजा काटा जाएगा। आप ये कहते हैं कि मैंने 3 एकड़ के अंदर चारा बोया, कुछ एकड़ के अंदर गन्ना बोया, बाकी मैंने दूसरी फसल बोई, अगर इनका रिकॉर्ड इन फसलों का होता तो इनका प्रीमियम ना कटता। ये अभी चैनल के ऊपर बैठकर मैं बोल रहा हूं आपको, अगर कहेंगे तो अधिकारी को भी लेने की कोशिश करूंगा, इनका रिकॉर्ड भी निकाल देंगे। तो पहली कंफ्यूजन ये है कि जब किसान नेता खुद शायद ये जानकारी ना रखता हो तो वो किसानों को कैसे समझाएगा। पहली बात का कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं जी। चढ़ूनी साहब इसी बात का जवाब दीजिएगा, फिर अगली बात पर जाएंगे। जो बात राजीव जेटली साहब ने कही है कि फसल का रिकॉर्ड जो था उसी हिसाब से किया गया, बताइए। जेटली साहब की बात का मैं ये जवाब, जी जी बोलिए बोलिए, मैं जेटली साहब की बात का जवाब ये देना चाहूंगा कि आप जाके पटवारी का खाता देखिए जो गिरदावरी करता है, उसने हमारे कितने एकड़ में गन्ना दिखाया है, उसने हमारे कितने एकड़ में कौन सी फसल दिखाई है, पटवारी का रिकॉर्ड देखिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमने 4 साल पहले लोन करवाया है तो क्या हम वो लगातार 4 साल वही फसलें बीजेंगे या उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट बात, जवाब मिल गया। ये दो तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि इन्होंने खेत में जाके देखा नहीं कि खेत में कौन सी फसल है और उसका प्रीमियम दे दिया। अब मैं जेटली जी से सवाल करना चाहूंगा कि मेरे को 11 एकड़ का मुआवजा मिलेगा या 20 एकड़ का मुआवजा मिलेगा अगर मेरी फसल खराब होती है तो? बता दीजिए जेटली साहब, ये बात बहुत अच्छी बात है। अपने आप में जो है आज कम से कम आपकी चर्चा, टीवी चैनल की चर्चा हमारी फसल बीमा योजना के प्रचार का माध्यम भी बन रही है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जी बिल्कुल। अब जो गुरनाम सिंह जी ने बात करी है, इन्होंने कहा कि जो मेरा रिकॉर्ड था उसके बाद मैंने रिकॉर्ड चेंज नहीं करवाया, तो खुद एडमिट कर चुके हैं। और मैं एक सेकंड, उन्होंने कहा कि मैं कौन सी फसल, एक सेकंड, अरे चेंज नहीं कर रहा मैं, कुछ चेंज कर रहा हूं पटवारी, किसने पूछा चेंज करवाने के लिए? मेरे नाम से सबसे बड़ी मैंने इसी डिबेट में किसने पूछा पटवारी के बारे में? कल इसी डिबेट पर रोहित, रोहित इसी डिबेट पर आपका रिकॉर्ड मेरे सामने क्यों रखा गया? राजीव जेटली को शायद एक पता ही नहीं किसानी होती क्या है। सुन लीजिए मेरे से किसानों के मसले हैं जिन्होंने बोले हमारी किसानों को, सुन लीजिए। अच्छा साहब एक बार कंफ्यूजन दूर करने देते, सुनिए एक बार सुन लेते हैं। आप चैनल पे आके बैठ गए,
अत्रे साहब एक मिनट आपसे गुजारिश है, एक मिनट राजीव जी, अत्रे साहब बोलिए। किसानों के मसीहा आपकी वजह से किसानों ने गोलियां खाई थी, ऐसा बोलेंगे तो जवाब भी मिलेगा। अत्रे साहब ये डीरेल करना चाहते हैं चर्चा को, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। इनके ट्रैप में बताइए, सुनते रहिए इनकी बात। किसानों के साथ अत्रे साहब रुकिए, कभी खेत में नहीं गए, कभी खेती का पर्दा डालने को झूठ बोल रहे हैं। अत्रे साहब रुकिए, जो बात सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए राजीव जी। मैं वही जवाब, ये गोलियां ये मसीहा इस पे मत जाइए, जो सवाल है उस पर आइए। आप बीच में घुसेंगे तो जवाब कहां से मिलेगा। चलिए सर आप बताइए बात रखिए कि जो इनका रिकॉर्ड है, इनका रिकॉर्ड आपके चैनल के ऊपर, मैं आज ये बात बोलकर जा रहा हूँ, जरूर रखेंगे, ताकि जो किसानों के मसीहा बने बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं। वो इतने बड़े नेता है, किसान लीडर, आप किसानों को झूठ बता रहे हो, झूठे कह रहे हो, आप ऐसे झूठे साबित मत करो। सुन लीजिए, आपका रिकॉर्ड जरूर रखा जाएगा। मैं ये बात बोलना चाहता था कि अगर आपके रिकॉर्ड में फसल अगर जो दिखाई गई है वो बीमा के अंतर्गत आती है तो उसका प्रीमियम काटा जा रहा है, अगर आपने गिरदावरी नहीं करवाई, और अगर आपने गिरदावरी करवा ली तो सरकार आपका प्रीमियम नहीं काटेगी। ये बात बहुत स्पष्ट कर दी गई है पहले भी। अब सुनिए, गिरदावरी तो पटवारी का कर रहे हैं कि जमीन का कर रहे हैं। आपने अपना रिकॉर्ड तो वहां पर पहले चेंज करवाना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य कहने का यह है, आप किसान के नेता हैं, अगर आपके पास भी जानकारी नहीं होगी तो किसानों के पास वो जानकारी। रुकिए रुकिए सर, अच्छा और राजीव जी, ये 2 एकड़ की जगह 5 एकड़ का प्रीमियम ले लिया, ये क्या कहा? जवाब सही दिए, कितने सही दिए वो चढ़ूनी साहब से पूछेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले राजीव जी दूसरी, ये 2 एकड़ की बजाय 5 एकड़ का प्रीमियम, ये कौन सी योजना के तहत लिया गया? देखिए मैं आपको नई योजना बताइए इसके बारे में, भी इसके प्रचार का माध्यम भी हम बन जाते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड इनका 2 एकड़ जमीन थी केवल और 5 एकड़ का इनका कहते हैं मुआवजा काट लिया गया, तो कम से कम अभी रिकॉर्ड रखे, मैं इनको अभी जानकारी दूंगा कौन सी ऐसी जमीन थी जहां पर 5 एकड़ का मुआवजा काटा गया लेकिन जमीन इनकी 2 ही एकड़ थी। अगर 2 एकड़ जमीन होगी तो जरूर इनका जवाब इनके सामने रखा जाएगा। लेकिन ये अब सुनिए चढ़ूनी साहब को, बोलिए चढ़ूनी साहब, लोन ही 2 एकड़ का है, जमीन भी 2 एकड़ है, तो 5 एकड़ कहां से आया? मैं ये कह रहा हूँ अरे साहब, आपने 5 एकड़ का प्रीमियम काट दिया इसलिए 5 एकड़ आया। वो कह रहे हैं लोन 2 एकड़ का है, जमीन भी 2 एकड़ का लोन होने के बावजूद 5 एकड़ काट दिया, जमीन ही 2 एकड़। सुनिए सुनिए बताइए चढ़ूनी साहब, देखिए उसका लोन ही 2 एकड़ का है, लोन 5 एकड़ का नहीं है, लोन ही 2 एकड़ का है और जमीन भी 2 एकड़ ही है और उसमें 1 एकड़ गन्ना है, 1 एकड़ है धान, तो उसमें उसके नाम लोन जो है, लोन 5 एकड़ का नहीं है, लोन केवल 2 एकड़ का है। बताइए राजीव जी, ये बात में पर्दा डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सच्चाई में क्यों नहीं आते? हम तो बात ही अच्छी करते हैं राजीव जी। उन्होंने कहा मेरा लोन 2 एकड़ का है, लोन जमीन उनकी कितनी है? मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि इनका जो पुराना रिकॉर्ड है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ केवल इतनी बात बताइए, केवल इतनी बात बता दीजिए, आपका जो पुराना रिकॉर्ड है उसमें आपकी कौन सी और कितनी फसल दिखाई गई थी? अब मैं आज की फसल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी फसल की बात कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से मुआवजा काटा जा रहा है, कम से कम इतना तो बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी घरवाली के, मेरी पत्नी के नाम 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ का ही लोन है, केवल 2 एकड़ का ही लोन है और उसके नाम काट लिया गया। आपके सवाल का जवाब लेंगे सुभाष शर्मा जी। देखिए जो फसल बीमा योजना चालू की गई है ये अच्छी बात है, क्योंकि हरियाणा देश में 18,000 किसान तो खाली एमपी में मर गए थे, अच्छी योजना, पर इसमें खामियां क्या है? इसको डिजाइन नहीं किया गया उस तरह से जिससे किसान को लाभ मिल सके, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो अभी बात मुद्दा चल रहा है, जैसे किसी किसान की 10 एकड़ जमीन है और उसने उसमें 2 एकड़ के ऊपर लोन ले रखा है तो उसका प्रीमियम 10 एकड़ का कटेगा उस लोन से। मान लीजिए मैंने 10 एकड़ जमीन का टोटल गिरदावरी तो रखूंगा बैंक में कि मेरी 10 एकड़ जमीन है जी, लोन मुझे 2 पे देना है, पर वो क्या बैंक मेरी, हमने खबरें लिखी हैं, बैंक अधिकारियों से बात करी है, स्टेट बैंक के अधिकारी का ऑन रिकॉर्ड है, वाजी बात सुभाष जी ने कही, वो कह रहा है कि हम जो कर्ज इसके ऊपर प्रीमियम काटेंगे जितनी इसकी कुल जमीन है, हमें कुछ नहीं लेना कि इसने 2 एकड़ मेरे पास रखी है 4 एकड़ रखी है, जबरन तो है। सबसे बड़ा तो ये इसमें खामी सुभाष जी, ये जबरदस्ती की श्रेणी में आएगा, ये
बिल्कुल ये लगान है जी, लगान किसान इसे लगान मान रहे हैं जी, ये इसे लगान मान रहे हैं जो अंग्रेजों के टाइम पे लिया जाता था। पर सुनो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि 315 रुपए लगभग हर 6 महीने में मोटे तौर पर काटे जाएंगे। इसकी डिजाइन की खामी मैं बताता हूँ कि उत्तराखंड और हिमाचल में 1% प्रीमियम कटेगा लगभग, हमारे हरियाणा में 1.5 से 2% है। तो ये अलग अलग क्यों है सबसे बड़ी बात? सारी फसलों का कवरेज क्यों नहीं है, गन्ने का क्यों नहीं है, कई क्षेत्रों में कपास का भी नहीं है? तो बात ये सवाल उठता है कि अगर होना चाहिए, अगर इसका प्रीमियम या उसका भुगतान होना चाहिए तो फसल की टोटल कीमत का होना चाहिए जिस रेट पे बेचता है किसान। ये नहीं है कि आपने एक फिक्स आइटम कर दी कि हम तो इतना ही देंगे। तो ये खामियां इसमें कम से कम भी 10 खामियां हैं। गिरदाव बैंक जो है रिकॉर्ड मांगेगा तहसीलदार से पिछला, ताकि उस पर वो देख सके कि इसने क्या फसल दिखाई है। और बेशक उसने बीजे प्याज हैं तो किसान मर गया, तो इसका मुआवजा 25% तो तुरंत मिल जाएगा उसके खाते में। अगर नुकसान होगा तो बाकी के लिए किसान को फिर धक्के खाने पड़ेंगे। 3 कंपनियां हरियाणा के अंदर करियां, आईसीआई बैंक, बजाज अलायंस, और तीसरा है एक कंपनी और है राजीव जी, आईसीआई रिलायंस बजाज और आईसीआई, तीन कंपनियों को बहुत जल्दबाजी में दिया गया है। उनसे टेंडर नहीं लिए गए, उनसे रेट कम किया जा सकता था और जोखिम को बढ़ाया जा सकता था किसान का, ताकि उसको ज्यादा जोखिम उसका कवर हो सके। ये कमी राजीव जी एक बात का जवाब दीजिएगा साहब, हमने कहा बड़े 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 साफ तौर पर बड़ी साधारण सी हम बहस करना चाहते हैं जिससे कुछ निकले। जो सवाल चढ़ूनी साहब ने उठाया, जो जवाब सुभाष जी ने दिया कि साहब 2 एकड़ और 5 एकड़ का जो कन्फ्यूजन था जिसपे आप सफाई दे रहे थे कि नहीं साहब ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, उसका बताइए क्या ये खामी मानते हैं आप इसे या नहीं? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या ये खामी है या नहीं? मैं आप बोलेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो तरह की बातें होती हैं। एक होती है कि जो प्रिंसिपल ऑफ दैट फार्मूला जो हम इंश्योरेंस दे रहे हैं उसमें कहीं कोई गलती रह गई है, और दूसरी तरफ बात होती है कोई क्लेरिकल मिस्टेक जो कि कहीं पर भी हो सकती है किसी से भी, वो हुई है। दो बातें अलग अलग है। लेकिन हम प्रिंसिपल की अगर बात करें, जैसा भी शर्मा जी ने भी बताई है बात कि डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर, ये तो सैद्धांतिक तौर पर गलत है साहब। दो एकड़ का लोन आप जो पूरी जमीन पर आप प्रीमियम देना होगा, ये क्या बात हुई? नहीं रोहित जी आपने मेरे को सुना नहीं था पहले, मैं दोबारा बोल सर मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। सुनिए और पूरे जब तक 5 साल आपकी सरकार के नहीं हम जोर सुनेंगे आप इसमें विफल है जेटली जी आप सुनिए इसलिए विफल है। देखो आपके सामने है, आप उसको अलग ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, आप विफल हैं क्योंकि आपने मुआवजा भी नहीं दिया था फसल का, उसको उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए एक योजना बीमा आगे दिया और इसमें भी कत्लेआम हो रहा है। प्रदीप जी से सुन लेते हैं, वो 2 एकड़ 5 एकड़ वाला कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। सरकार में मौजूद प्रदीप जी ने बोला है तो ये जवाब भी बनता है। एक सेकंड सुन लीजिए, देखिए मैं 2 रुपए का चेक नहीं देना चाहता किसी को, हमारी सरकार 2.5 रुपए का चेक नहीं देना चाहती, ठीक है बिल्कुल हम नहीं चाहते। हमने 2200 करोड़ रुपए तो लीजिए सरकार, सही 2200 करोड़ रुपया हमने किसानों को दिया, जो कि हमारे किसान नेता ने भी बताया, ठीक है हमने नहीं अभी किसान नेता ने भी बताया। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आ रही है, कंफ्यूज ना करें, इम्पोर्टेंट बात ये आ रही अरे है कि जो भी रिकॉर्ड इनका मेंटेन होगा ये भी बताइए हिसाब से जिनका अभी शर्मा जी ने बात करी नुकसान था उनको क्या मिला। यार आप सुन लीजिए, मैं आपको बोलने दूंगा बीच में जब आप बोलेंगे, तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ जो सुन लीजिए अब तो इन्होंने चेतावनी दे दी हमें कि हमें बोलने नहीं देंगे। सुन लेते हैं सीसीई जो हम कहते हैं कि उसकी यील्ड निकालेंगे, और यील्ड निकालने से पहले जो फसल बीमा योजना में साफ तौर पर लिखा है कि आपका जो रिकॉर्ड मेंटेन है, किसानों से आग्रह किया गया एक चीज सुन लीजिए, किसानों से आग्रह किया गया कि आकर अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में कोई तकलीफ ना हो। जो हमारे किसान नेता के साथ हुआ है ये मुझे लगता है उसी की एक वजह है, अगर ये अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे तो इनकी जो पिछली फसल जो मेंटेन की गई है वो ठीक है फसल। ठीक है जेटली साहब आपकी बात पूरी, सुभाष जी उसके सब लोग अत्रे साहब आपके पास पे सुभाष जी क्या क्या सुभाष जी आपसे सवाल, सुभाष जी रुकिए सुभाष जी आपसे सवाल है मेरा सवाल ये है
कि क्या जेटली साहब ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब के सवाल का जवाब दिया, जो 2 एकड़ और 5 एकड़ का कन्फ्यूजन ये बेचारे कह रहे हैं, क्या उन्होंने जवाब दिया मुझे ये बताइए। इसका कोई जवाब नहीं दिया जेटली साहब, जेटली साहब स्टेट बैंक के बाद मैंने हिंदुस्तान का जवाब चाह रहे हैं। रोहित जी आप डिबेट को किस तरीके से करना चाहते हैं? नहीं आपने किसान को झूठा बताया, आप उसका रिकॉर्ड निकाल के आ रहे हैं, रिकॉर्ड निकालेगा पटवारी, वो गलत आदमी नहीं। आज आपको पूरा हरियाणा प्रांत मुद्दा ये है, अगर किसान नेता ने बात रखी है, मैंने आपसे बोला प्रिंसिपली फसल बीमा योजना में ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जमीन में अगर आपने आपका रिकॉर्ड अगर ये कहता है कि आपके पास 5 एकड़ जमीन है और 5 एकड़ जमीन के ऊपर लोन है तो लोन के हिसाब से आपका विड्रॉल होता है। प्रिंसिपली ये फसल बीमा योजना में नहीं है। अगर इनके साथ व्यक्तिगत तौर पर मेरे दो सवाल है, मेरे दो सवाल है, व्यक्तिगत तौर पर हुई है तो उसको जरूर उठाया जा सकता है। ठीक है, अब सुभाष जी बात पूरी करें, उसके बाद अत्रे साहब और चढ़ूनी साहब आपके पास भी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक आला अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार को बयान दिया है कि उन्हें इस बात का कोई लेना देना नहीं कि कितने एकड़ जमीन उसने रहन रखी है, प्रीमियम पूरी जमीन पर कटेगा। प्रीमियम बैंक अधिकारियों के मुताबिक किसानों किराए पर जो या टेनेंट जो किसान हैं वो कवर नहीं होंगे, उसके लिए उसका प्रीमियम जो है जो भी भुगतान होगा, कभी नुकसान हो जाता है तो उसके मालिक को जाएगा, मालिक से वो लेता रहेगा। सुभाष जी यानी राजीव जेटली साहब ने जो बात रखी है, एक चीज और रह गई है सुभाष जी मुआवजा देने में भी ऐसा ही होगा। लाडवा के किसान दर्शन सिंह ने बाकायदा बयान दिया है कि मेरा कभी जिंदगी में नुकसान नहीं हुआ, मेरा प्रीमियम क्यों कटे, मैं लोन जरूर लेता हूँ। सुभाष जी ऐसा ही होता है, ये तो हमारी सरकार ने प्रथा बदली थी पहली बार। सुभाष जी आपका ये कहना है कि राजीव जेटली साहब ने जो कहा सैद्धांतिक तौर पर गलती नहीं, उसमें सैद्धांतिक तौर पर ही गलती है, डिजाइन गलत है पॉलिसी का, जो ये डिजाइन की गई है देश की, ठीक है इसमें गलती। प्रवीण अत्रे साहब के पास चलते हैं। अत्रे साहब अब आप बोलिए, अच्छी है चालू होनी चाहिए। अत्रे साहब अब आप बोलिए। सुभाष जी पॉलिसी तो पहले देखिए, राजीव जेटली साहब की चेतावनी के बाद बोलिए। अगर जिस तरह से देखिए ऐसा है रोहित, अगर इतनी बेहतर पॉलिसी है जैसा कि सरकार इसका प्रचार करना चाहती है तो क्यों नहीं सरकार किसानों की विल पे छोड़ देते, क्यों आप उनके ऊपर थोपना चाहते हैं, क्यों आपने जबरदस्ती उनके अकाउंट से पैसे निकाले। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अभी बार बार एक बात का जिक्र हो रहा है कि साहब आपकी पुरानी फसल का रिकॉर्ड चेक कीजिए अपनी पुरानी, अरे साहब आप प्रीमियम ले रहे हैं उस फसल का जिसका मुआवजा देना है, जो करंट फसल है जिसको आप इंश्योर कर रहे हैं, आप उसका रिकॉर्ड देखोगे या पुरानी फसल का रिकॉर्ड देखोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह की बात हो रही है। पुरानी फसल का रिकॉर्ड जिस तरह से सुभाष जी ने बात बताई उसके बाद डिबेट में आइएगा। प्राणी जो है भाई, आप जिसको इंश्योर जिसका इंश्योरेंस कर रहे हो आप उससे प्रीमियम काटोगे ना, जिस चीज को आप इंश्योरेंस कर रहे हो आप उसका प्रीमियम लोगे ना। आप पुराना रिकॉर्ड प्राणी फसल का रिकॉर्ड क्या मतलब है आपका? आपको पता है कि गिरदावरी पटवारी की जिम्मेदारी होती है, गिरदावरी पटवारी की जिम्मेदारी होती है, किसान की जिम्मेदारी नहीं है, पटवारी की जिम्मेदारी होती है। कभी खेत में जाके देखा, कभी पटवारी से मिले, पता है आपको खेती होती क्या, पता नहीं क्या झूठ बोल रहे हैं। ठीक है जेटली साहब सुने, जेटली साहब सुन लेते हैं, जेटली साहब राजीव जी जेटली जिम्मेदारी है, ये सुरक्षा होती है। आपको किसानों किसानी के बारे में सीख लो पहले, भारतीय जनता पार्टी को साहब ठीक है, आपकी सरकार रुक जाइए चुप कराइए, दे चुके हैं आपका जवाब किसानों ने दे दिया जो उनके साथ आपने किया था। राजीव जी राजीव जेटली साहब झूठ पे झूठ बोल रहे हो, जो ये किसानों आपके पास आता हूं जेलदार साहब, अत्रे साहब बात पूरी करें संक्षेप में। किसानों को उनकी फसल खराब हो जाए अगर नेचुरल कैलेमिटी से, अगर किसान की फसल नेचुरल कैलेमिटी से खराब होती है उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। ये योजना शुरू की थी चौधरी देवीलाल जी ने और उसका एक ही मकसद था, किसान और किसानी को बचाए रखना। जिस तरह से किसान की दुर्दशा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने तो जबरदस्ती उनका प्रीमियम काट के, उन एकड़ जमीन का एकड़ का प्रीमियम काट के किसान को और मारने का काम कर दिया। और देखिए कितनी हैरानी की बात है। ठीक है अब आपको रोकूंगा, अरे जब आपके रोकूंगा किसान के साथ, ठीक है क्यों थोपना चाहते हो उसको? प्रदीप जेलदार साहब झूठ बोल के, ठीक है साहब, ठीक है साहब आप लेकर आए जेटली साहब खेत में जाओ, अत्रे साहब देखो अत्रे साहब आप रोकूंगा, जेटली साहब रुक जाइए, जेटली साहब रोहित राजीव जेटली साहब जी प्रदीप जेलदार साहब की बात सुन लेते हैं। अत्रे साहब 5 एकड़ की कैप लगा दी,
हाँ नहीं, अभी अभी चढ़ूनी साहब, चढ़ूनी साहब का सवाल वाजिब है। जेलदार जी, प्रदीप जेलदार साहब, जेलदार साहब कहिए। अत्रे जी, मैं बात का जवाब देना चाहता हूँ। जो हमारे जेटली साहब इतने जोर शोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, चढ़ूनी साहब आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट में आपके पास। जोर जोर से चिल्ला कह रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो बहुत ज्यादा बोलता है। तो सच्चाई है कि भाजपा इस बात को कबूल करेगी नहीं। पूरा देश, पूरे देश के हर जिले में, हर ब्लॉक के अंदर आज किसान और हमारी राजनीतिक पार्टियां, दोनों तीनों जो भी विपक्ष में, सारी आज किसानों के साथ खड़ी है जी। और पूर्ण रूप से इनको दिखाई, इनको इनको इनके अभी सुनने का मादा रखे, आप सुनने का, आप एजेंट हैं, एजेंट का काम कर रहे हैं, एजेंट जो बोलने देता, जो एजेंट होता है वो बोलने देता, आप एजेंट का काम कर रहे हैं, आप किसानों के ऊपर कत्लेआम कर रहे हैं, आप किसानों को जबरन डाका डाल रहे हैं, किसानों के ऊपर लगाम लगा रहे हैं, आप अंग्रेजी हुकूमत से बढ़कर हैं। भाजपा पूर्ण रूप से किसानों को खत्म करना चाहती है, आज पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। इसलिए जेटली जी आप बोल रहे हैं, जिनको खाने को मिलता है, जो एजेंट के रूप में काम करते हैं बोलते हैं, उनके ऊपर आपका कमीशन खत्म हो जाएगा। आपने प्राइवेट कंपनियों को, आपने बड़े बड़े घरानों को, आपने इस योजना का फायदा पहुंचाने के लिए जबरन के बैंकों से काटा गया, आप पूरे के पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। ठीक है, कहना चाहता हूँ, एक सेकंड से आग्रह है, ₹200 के चेक की फोटोकॉपी लेके साथ चलिए। ये किसानों को दिया था, ये बदला बदली और जबरा जबरी की सरकार है, ये सिद्ध होता है। ₹200 का चेक साथ लेकर चलिए फोटोकॉपी। उन बड़ी कंपनियों को अडानी अंबानी उनके एजेंट है, चढ़ूनी साहब, प्रदीप भाई, राजीव जी, राजीव जी आपको रोकूंगा। डिबेट शुरू हुई थी, प्रदीप डिबेट का मेन ये था कि ये जबरन है, ये जबरन से भी ज्यादा है, ये जबरन है, ये कह रहे हैं। छोटी सी बात, प्रदीप जी, प्रदीप जी आपको रोकूंगा। प्रदीप जेलदार साहब, प्रदीप साहब, किसानों की आवाज उठाकर, प्रदीप जेलदार जी, हमारी जो सच बात है, हरियाणा की जनता पूरा मन बना चुकी है कि आने वाले टाइम में भाजपा की एक सीट। ठीक है, ठीक है, रुकिए रुकिए, राजीव जी आप रुकिए, चढ़ूनी साहब, चढ़ूनी साहब, ये तो बहस है क्या, राम सिंह चढ़ूनी, ये बहस करने के लिए बैठे हैं। सुन लीजिए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह, अरे वो छोड़िए बात साहब, चेक दिया ₹200 का, आज की बात करें, आप क्या करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। एक सेकंड, जब आपने जवाब लिया ₹200 का चेक दिया, जब किसान ने प्रोटेस्ट किया तो इनके मीडिया एडवाइजर कहते हैं गलती से ₹75 फालतू चले गए हैं। ठीक है, अब रुकिए, इतना पैसा नहीं बचा है, हमने तो कुछ दिया है, आप तो ले रहे थे जबरदस्ती, ₹25 दिए, आप लगान वसूल कर रहे हैं, आप अंग्रेजों की हुकूमत को याद दिला रहे हैं। रुकिए रुकिए, ₹25 दिए आपने, भाजपा किसानों की कभी भी हमदर्दी नहीं हो सकती। प्रदीप जी रुक जाए, किसान विरोधी सरकार साहब, ये कभी अच्छे दिन नहीं, ठीक है, किसानों के काले दिन आ गए। साहब सुनिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब की भी समस्या सुन लीजिए साहब, अभी तक वो मसला सुलझा नहीं कि 2 एकड़ और प्रीमियम 5 एकड़ का कट गया, ऐसे पता नहीं कितने किसान होंगे प्रदेश के। ये तो चढ़ूनी साहब है जो स्टूडियो में बैठे हैं, किसान है जी, ये वो बोलना क्या चाहते हैं, बोलिए बोलिए चढ़ूनी साहब। मैं ये बेनती करना चाहूंगा जी, मैं देखिए देखिए देखिए, मैं पहली दोनों भाइयों से बेनती करना चाहूंगा कि यहाँ सवाल कांग्रेस का और बीजेपी का नहीं है, यहाँ सवाल किसान का है, कौन अच्छा कौन बुरा उसमें मत जाइए जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद जेटली जी को पूरी जानकारी नहीं है, हर 6 महीने बाद गिरदावरी होती है, पटवारी गिरदावरी करता है, तहसीलदार उसको वेरीफाई करता है जी। हर 6 महीने बाद गिरदावरी होती है, शायद जेटली साहब को नहीं पता कि गिरदावरी वो नहीं है जो हमने जेटली साहब पहले करवा दी थी। जेटली साहब आप एक बार सुन तो लीजिए, आप भी सबको बोलते हैं कि आपको जानकारी नहीं है, मेरी पूरी बात सुन लीजिए राजीव जेटली साहब, नहीं जेटली साहब बात सुन लीजिए, आप बात तो सुन लो जेटली साहब, सुनिए, आप पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, तो इनकी बात पूरी होने तो फिर आप पूछिएगा सवाल, आप पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे, अभी उनसे पूछ रहे थे, आपकी आखिरी फसल रिकॉर्ड क्या रहा, जेटली साहब के पास, जेटली साहब के पास बात का जवाब नहीं बनता, बीच में जानबूझ के काटते हैं बात को, बिल्कुल बिल्कुल, आप इतना बता बीच में जानबूझ के बात को काटते हैं, जो आदमी के पास है नहीं तो पूछ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, बोले बोले क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, बीच में आप सुनते क्यों नहीं है, सुन तो ले, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, रिकॉर्ड क्या था मेरा, दूसरा क्वेश्चन ये है, आप ये बताइए, अरे रुकिए रुकिए राजीव जी, 20 एकड़ का प्रीमियम काट लिया, राजीव जेटली साहब, और जो बैठे हैं आप मेरी फसल खराब, राजीव जेटली साहब, अरे सुन लो तो, राजीव जेटली साहब, मेरा 20 एकड़ का प्रीमियम काटा है, अब मेरे को बीमा 20 एकड़ का मिलेगा कि मेरे को 11 एकड़ का मिलेगा, ये बता दीजिए, मेरे का जो क्लेम मिलेगा, अगर मेरी फसल आज खराब हो जाती है,
मेरे को 11 एकड़ का पैसा मिलेगा कि मेरे को 20 एकड़ का मिलेगा, ये बता दीजिए, जवाब दीजिए इस बात का। ठीक है चढ़ूनी साहब, आपके सवाल का जवाब लेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर कोई हार जीत तय करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारा मकसद यह है कि फसल बीमा योजना ठीक है, किसान की फसल का बीमा हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो तो सरकार को उन सुझावों को मानना चाहिए, ना कि उन सुधारों को मानने के लिए इस तरह की स्थिति पैदा करनी चाहिए कि साहब ये सुधार की जरूरत ही नहीं है। ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सुधार की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो क्या सरकार इन उन सुधारों को लाने की कोशिश करेगी या नहीं, इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम फसल बीमा योजना की बात कर रहे हैं और हमने सवाल ये उठाया कि लगातार विपक्ष इस योजना पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जबरन प्रीमियम वसूला जा रहा है, तो इस बात की हकीकत जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति है तो सरकार उसे दुरुस्त करे ताकि किसानों को इस योजना का सही लाभ मिल सके। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, राजीव जेटली साहब बीजेपी के नेता, प्रदीप जेलदार साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ है, सुभाष शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, प्रवीण अत्रे साहब INLD के नेता हमारे साथ है, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब मौजूद है, किसान नेता है प्रदेश के बड़े, चढ़ूनी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। और इस बहस की शुरुआत हमने चढ़ूनी साहब की एक केस स्टडी से की थी। कहते हैं कि कभी भी अगर हमें किसी चीज पर विश्लेषण करना चाहिए तो हम व्यापक तौर पर ना करके कोई कुछ केस स्टडीज उठाते हैं, उस पर हम चर्चा जरूर करते हैं ताकि ये जानने की कोशिश हो सके कि साहब अगर दूसरे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो उसे कैसे दुरुस्त किया जाए। चढ़ूनी साहब ने इस चर्चा के शुरुआत में एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाया था इस योजना को लेकर, यानी इस योजना के डिजाइन को लेकर। चढ़ूनी साहब, मैं आपका सवाल एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि शोरगुल में वो सवाल दब रहा था, एक बार फिर से आपका सवाल, क्योंकि सवाल सिर्फ आपका नहीं प्रदेश के कई किसानों का हो सकता है। आपका कहना है कि साहब 2 एकड़ जमीन लेकिन प्रीमियम 5 एकड़ का वसूला गया। सुभाष जी, अब मैं आपके पास आऊंगा कि अब तक की डिबेट में अगर 2 एकड़ की जमीन में पर कि 2 एकड़ की जमीन है उनकी पत्नी के नाम, उस पर अगर 5 एकड़ का प्रीमियम वसूला जाता है तो क्या यह जबरदस्ती की श्रेणी में आता है या नहीं, पहले इसका जवाब हाँ या नहीं में दीजिए। बिल्कुल आता है, ठीक है। अब अगला जवाब एक एक करके आप ही से लूंगा। बिल्कुल आप इसे जबरदस्ती कह रहे हैं कि ये जबरन वसूली है प्रीमियम की जो कि कंपनियां मनमाने तरीके से कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है सुभाष जी, किस मनमानी को कैसे रोके, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपसे इस पर तफसील से जवाब चाहूंगा। सुभाष जी देखिए, मैं प्रधानमंत्री की योजना का तो स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा किया है, बहुत किसानों को नुकसान होता है, उतनी भरपाई सरकारें नहीं दे पाती, अच्छी बात है। परंतु जो कंपनियां इन्होंने निजी कंपनियों को ये टेंडर छोड़े हैं वो इतनी जल्दबाजी, पीछे राधा मोहन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने बिहार के अंदर ये बयान दिया है कि ये प्रक्रिया जल्दबाजी में हुई है, हम इसकी टेंडरिंग दोबारा कराएंगे और अगले साल से या अगली फसल से जो प्रीमियम की राशि है वो कम हो जाएगी, ये ऑन रिकॉर्ड है जो राधा मोहन सिंह ने कहा है जी। दूसरी बात यह कि इसका प्रीमियम कम होना चाहिए और किसान के नुकसान की भरपाई ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसका ज्यादा जोखिम कवर होना चाहिए। तीसरी बात, जितना वो लेना चाहता है कम से कम उसे इतनी छूट तो दी जाए किसान को कि भाई तो जितने एरिए का नुकसान की भरपाई लेना चाहता है उतने एकड़ का प्रीमियम दे दे जी। पर यहां जो ये हो रहा है कि उतने एकड़ के बजाय उसकी कुल जमीन का जो प्रीमियम काटा जा रहा है उतने एकड़ का पर एकड़ के हिसाब से लगभग 315 रुपए या 20 रुपए एकड़ पड़ता है, तो किसान के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वो इसे एक लगान समझ रहा है कि जैसे वो हर साड़ी सामनी में 2 फसलें होती हैं पंजाब में हरियाणा बोलते हैं, तो उसमें हर फसल के अंदर पानी का या उसका भुगतान करता है, वो समझता है ये भुगतान मुझे अब फिर करना पड़ रहा है जी। तो सवाल ये है कि इसकी खामियां दूर होनी चाहिए स्कीम में कोई बुराई, ठीक है ये बिल्कुल। मैं चढ़ूनी साहब आपके पास आऊंगा, जब ये योजना आई तो रुकिए मेरी बात सुनिए, जब ये योजना आई तो कहा गया कि जोखिम फ्री हरियाणा, तो लेकिन जो आपके साथ हुआ चढ़ूनी साहब की 2 एकड़ की जगह 5 एकड़ का प्रीमियम वसूल लिया गया, तो ये हो गया कि फ्री में जोखिम मिल रहा है यहां, तो ये जोखिम फ्री नहीं, फ्री में जोखिम है ऐसे लिहाज से। तो क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिला, आपने किसी से बात की, किसी अधिकारी से बात की, कंपनी से बात की कि भाई क्यों 2 एकड़ की बजाय 5 एकड़ का क्यों प्रीमियम वसूल कर रहे हो? चढ़ूनी साहब ये सवाल मेरा आपसे है।
देखिए मैंने बैंक से डिटेल निकलवाई थी जी, हमारे सारे परिवार की डिटेल निकलवाई थी, उसमें जब मैंने आके देखा तो बिल्कुल उसमें गड़बड़ घोटाला है। 2 एकड़ जमीन है, लोन भी 2 एकड़ का है और 5 एकड़ का बीमा काट लिया गया है, और जो जो जिसमें गन्ना है जिसका बीमा होना ही नहीं था उसका भी बीमा कर दिया गया है, और उसका क्लेम हमें नहीं मिलना है, केवल प्रीमियम ही कंपनी को जाना है। मैं इसमें ये सुझाव और देना चाहूँगा जेटली जी को कि जबरन मत करें, जो बीमा स्वेच्छा से कराना चाहे उसको स्वेच्छा से करने दें, जबरन किसी में मत करें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा के अंदर जो प्रीमियम है, पूरे हरियाणा के अंदर 585 करोड़ रुपया बनता है अगर सारी बदलों का पूरे हरियाणा में बीमा करवा दिया जाए, और 585 करोड़ का वजन तो सरकार भी उठा सकती है, जब पिछले साल ये 2200 करोड़ दे सकते हैं तो 585 करोड़ कौन सा ज्यादा हो गया, क्यों किसानों के बीच में घसीट रहे हैं इसमें। ठीक है प्रवीण अत्रे साहब, मैं ये मेरा जो कहना है, मेरा जो सुझाव है, जी जी सुझाव एक बार सुन लेते अत्रे साहब, चढ़ूनी साहब का चर्चा का आखिरी दौर करते हैं। चढ़ूनी साहब सुझाव दे दीजिए, फिर अत्रे साहब से सवाल। जी मेरा सुझाव ये है, जी मेरा सुझाव ये है कि सारे हरियाणा का जो प्रीमियम बनता है सारी फसलों का, वो 585 करोड़ बनता है खरीफ की फसलों का, जब पिछले साल इन्होंने 2200 करोड़ रुपया दिया है तो इस बार 585 करोड़ तो इन फसलों का दे सकते हैं। ठीक है, और ये मामला बिल्कुल सरकार के पक्ष में जाएगा अगर सरकार ऐसा करती है, और अगर सरकार नहीं करती है तो फिर इसको स्वेच्छा पे कर देना चाहिए, जबरन नहीं थोपना चाहिए। मैं बीमा नहीं करवाना चाहता, मेरा जबरन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आपका कहना कि जबरन नहीं होना चाहिए, और आपने इसका एक उदाहरण भी दिया। चढ़ूनी साहब अब मैं आपको रोकूंगा, प्रवीण अत्रे साहब के पास आऊंगा, अत्रे साहब अपनी बात पूरी करें। देखिए रोहित, ऐसा है अगर हम 2015 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो पहले से भी लागू थी उसके अंदर 1500 करोड़ के करीब जो है वो किसानों का प्रीमियम जो है इंश्योरेंस कंपनीज को गया था, और लगभग 5500 करोड़ रुपया जो है वो सरकार और जो है केंद्र और स्टेट सरकार का ऐसा था, लेकिन सरकार की तरफ से इंश्योरेंस कंपनीज को गया। जो अब 2016 में एक अनुमान है टेंटेटिवली कि 2000 करोड़ रुपया किसानों का प्रीमियम कटेगा, 8800 करोड़ रुपया प्रदेश और सेंटर की सरकार का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, लगभग 19800 करोड़ के करीब ये राशि बनेगी। 2015 में 2.8 करोड़ किसान ने, मैं केंद्र के राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा हूं, उन्होंने मुआवजे के लिए क्लेम किया, मुआवजा सेटल होता है 50% का। अब आप थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है कि ये खेल कहां हो रहा है, किस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जी देखिए, आप भी जानते हैं जो मैंने शुरू में कहा था कि इंश्योरेंस का बेसिक फंडा ये होता है, ज्यादा लोगों से पैसा इकट्ठा करो और उसमें से अगर किसी का नुकसान हुआ है उसको वो पैसा उसमें से दे दिया जाए, ये इंश्योरेंस का बेसिक फंडा है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है इसी फायदे को लेके केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मदद से जो पैसा कमाना, जो किसानों की जेब से पैसा निकालना है, उस गेम को इंप्लीमेंट यहां पे किया गया है। बड़ा सीधा सीधा सा, अगर सरकार, जैसे एक तो चढ़ूनी साहब ने बोला कि जबरदस्ती क्यों, अगर पॉलिसी अच्छी है तो किसानों के इच्छा पे छोड़िए, किसान उसको अगर अच्छी लगेगी तो खुद करवाएंगे। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, जिसको मैं चाहूंगा कि प्रदेश की जनता को भी पता होना चाहिए जी। आप यहाँ पे हालात ये हैं कि जो प्रीमियम कट रहा है 585 करोड़ रुपए के, स्टेट और सेंटर के कंट्रीब्यूशन के बाद ये अमाउंट जो है लगभग जाके बन जाएगी कोई 2200-2400 करोड़ रुपए करीब। अगर सरकार इतना किसान हितैषी है, इन इंश्योरेंस कंपनीज को बीच में क्यों इन्वॉल्व करती है? एक किसान रिलीफ फंड बना के उसमें ये पैसा डाल दीजिए, किसानों का नुकसान होगा उसमें से मुआवजा दे दीजिए उनका। ठीक है, ये बात भी आपकी अच्छी है, ये सुझाव भी अच्छा है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। प्रदीप जेलदार साहब, आपका आपकी प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया रोहित जी, आप देखिए अत्रे भाई ने बताया, इसमें एक बहुत बड़ी और कमी है जी। बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा उसको घोटाला है जो भाजपा प्राइवेट योजना बीमा कंपनियों के साथ मिलकर कर रही है। आप देखिए, जब एक पूरे गांव को उन्होंने यूनिट मान लिया, इन्होंने, हम कहते हैं कि जहाँ जोत होती है उसको यूनिट मानना चाहिए। अगर मान लो 10-20 किसानों का नुकसान हो गया तो कहते हैं इसके इनकी पॉलिसी में हम उसका नहीं देंगे कोई भी मुआवजा। अगर मुआवजा नहीं देंगे तो उनका प्रीमियम क्यों काट रहे हैं? ठीक है जी, और प्रीमियम कट जाएगा, और मान लो ये ज्योतिष विद्या तो इनके पास नहीं, इस गांव में अगर नहीं होगा, इस किसान का नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो उनका जो मुआवजा इन्होंने प्रीमियम काटा है, एक तो एक बहुत बड़ी इसके अंदर बिल्कुल घोटाला है।
इसको उजागर करना चाहिए। इनको जनता भी, किसान इस बात का ही झगड़ा कर रहे हैं। मैं जेटली भाई से पूछना चाहता था कि जेटली भाई कहता है हमारी पॉलिसी ठीक है, पॉलिसी कहाँ ठीक है? पूरा प्रदेश का किसान आज रोडों पर बैठा हुआ है। या तो किसान गलत है या आप ठीक हैं, एक तो बात इस बात का जवाब दे दीजिए। और जबरन की बात जो शुरू हुई है डिबेट के अंदर, ये सच्चाई है रोहित भाई, ये बिल्कुल प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, उनकी कमाई कराने के लिए, ये पूरी की पूरी आज जो हरियाणा के अंदर सरकार है, जो 154 वादे के नीचे उतरी थी, ये उनको मदद कर रही है। स्वामीनाथन रिपोर्ट इन्होंने लागू करनी थी, वो नहीं करी। किसानों का भला नहीं कर सकती। मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अगर किसानों का भला करना चाहती भाजपा गवर्नमेंट, तो जब ये मुआवजा आपदा मुआवजा वहन करती है, देती है सरकारें, तो क्यों नहीं प्रीमियर की फीस खुद दी इन्होंने? खुद देनी चाहिए इन्होंने, प्रीमियम खुद इन्होंने भुगतान करना चाहिए, तब तो ये किसानों के मददगार हैं, नहीं तो ये पूरे के पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के मददगार हैं। ठीक है, राजीव जेटली साहब, मैं चाहूंगा कि पहले आप जो सवाल रोहित जी बोलिए, बोलिए अत्रे साहब, बोलिए बोलिए अत्रे साहब, फिर मैं अपना सवाल लेकर राजीव जी। सबसे बड़ा सवाल जो है, जिसको मैं दोबारा से एक बार उठाना चाहूंगा, कि सबसे बड़ा जो एक खामी है कि एकड़ के हिसाब से आप प्रीमियम ले रहे हो किसान से, लेकिन जब मुआवजे की बात होगी तो वो होगी गांव के हिसाब से। इंश्योरेंस के अंदर रोहित आप और मैं भी जानते हैं, अगर किसी मोहल्ले में एक मकान में आग लग जाती है तो उस मकान मालिक को उसका मुआवजा मिलता है, तब क्या इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि पूरा मोहल्ला जलना चाहिए था, तब हम मुआवजा देंगे? ठीक है, ठीक बात, ये तमाम खामियां किसानों के साथ भेदभाव क्यों है? बहुत काम, बहुत बड़ी काम, ये बड़ी खामी बिल्कुल, जो एकड़ के लिहाज से प्रीमियम और गांव के लिहाज से मुआवजा। एक बात, ये प्रदीप जेलदार साहब ने बात कही कि एकड़ के गांव को यूनिट बनाया है, एकड़ को यूनिट क्यों ना बनाया, दूसरी बात। और तीसरा बड़ा और सबसे पहला सवाल मेरा जेटली साहब आपसे होगा, इस चर्चा की शुरुआत से मैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब के उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए शायद आप, अगर आपको लगता है दे दिया तो एक बार फिर दे दीजिए, हम फिर सुन लेंगे। हो सकता है उस वक्त बकौल आपके हमने ध्यान से नहीं सुना हो, तो आप जरूर बता दीजिए कि अगर ये 2 एकड़ और 5 एकड़ का कंफ्यूजन है इनके साथ, अगर ऐसा हुआ, अगर गलती है तो साहब मानिए इसे, कहिए इसे दुरुस्त करेंगे। अगर आपको लगता है नहीं बिल्कुल सही है, चढ़ूनी साहब गलत बोल रहे हैं, इन्होंने सब गलत किया है, सारी गलती इनकी है, तो चढ़ूनी साहब से मान लेंगे चढ़ूनी साहब, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। क्यों चढ़ूनी साहब बताइए जेटली साहब? अब मुझे अच्छा है कि मुझे मौका मिला, सजा भी साथ में भुगतने के लिए तैयार हूँ। और बताइए जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप प्रश्न करते हैं तो जवाब लेने के लिए करते हैं, अब जवाब देने जरूर दीजिएगा। मुद्दा ये है, जो प्रश्न उठाए गए एक एक सबका जवाब देता हूँ मैं, अब ये मत बोलिएगा अब जवाब नहीं देना। पहली बात यह है कि कहते हैं कि 1 एकड़ का प्रीमियम काटा जा रहा है तो गांव को इकाई क्यों बनाया गया? पहली बात यह है कि प्राकृतिक आपदा साफ लिखा है उसमें, अगर प्राकृतिक आपदा आती है, उन प्राकृतिक आपदाओं में से कुछ ऐसी आपदाएं भी आती हैं जो 1 एकड़ के ऊपर भी आ सकती हैं, और उसकी अगर 11% का भी नुकसान होता है तो उसके ऊपर का नुकसान सारा आपको दिया जाएगा। ये बात चर्चा में नहीं आई। दूसरी बात यह आती है, फायर और एक्सीडेंट भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तीसरी बात यह है कि आपकी फसल कटने के बाद 14 दिन तक पड़ी हुई खराब हो जाए, वो भी इसके अंदर कवर की गई है। और चौथी बात जो ये बार बार बता रहे थे, केंद्र और राज्य सरकार सारा खर्चा उठा रही है, किसान से मात्र 2% से लेकर 5% तक लिया जा रहा है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है, जब इसी फसल बीमा की जो कंपनियां थी, इन्होंने हर जगह का प्रीमियम अलग अलग बताया था, महेंद्रगढ़ का अलग था, सिरसा का अलग था, और सब जगह का अलग था। सरकार ने कहा हम किसान के ऊपर कोई लोड नहीं डालेंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे, हम किसान से एक लिमिटेड बीमा ही लेंगे, एक प्रीमियम लेंगे। अब आती है मात्र हम अपना गुरनाम सिंह जी की जी। गुरनाम सिंह जी ने जो बात कही, इन्होंने कहा कि मेरा 2 एकड़, देखिए आपने पूरी डिबेट घुमा दी, लेकिन प्रश्न उनका नहीं समझा कि क्या था। उन्होंने कहा कि मेरी 5, आप कह रहे हैं 2 एकड़ पे 5 एकड़ का कैसे ले लिया? उनका कहना है कि बाकी जमीन पे मेरा गन्ना उगा हुआ था, जिसको भी इंश्योरेंस में इंक्लूड कर लिया। और मेरा प्रश्न बार बार उनसे ये था, सुन लीजिए आपसे सिर्फ इतना प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपकी जमीन केवल 2 एकड़ है या 5 एकड़ है, इसका तो जवाब दे दीजिए। एक सेकंड, केवल 2 एकड़ है, 2 एकड़ का ही लोन है, केवल जमीन 2 एकड़ है मेरी पत्नी के नाम,
और दो एकड़ का ही लोन है और दो एकड़ में से एक एकड़ में गन्ना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी जमीन केवल दो एकड़ है, लेकिन आपका मुआवजा, आपका जो प्रीमियम काटा गया है वो किसी और जमीन का भी आपका काट लिया गया, मतलब जो पांच एकड़ कर दी गई थी किसी और की जमीन का कटाई, आप ही की जमीन का कटाई है, और जमीन है ही नहीं, और कहां है, और कहां है। मैं आपसे अरे मैं बता दो रहा हूँ, आप जानबूझ के उड़ा रहे हैं। मेरी पत्नी के नाम दो किले जमीन है, दो एकड़ पे ही लोन है, उसका पांच एकड़ का बीमा काट लिया गया। जब जमीन ही दो एकड़ है, जब कर्जा ही दो एकड़ है, तो पांच एकड़ है ही नहीं, आपके पास पांच एकड़ का बीमा क्यों काट लिया गया? एडमिट कर रहे हैं जमीन ही दो एकड़ है, आप ये एडमिट कर रहे हैं आपके पास पांच एकड़ जमीन नहीं है? अरे 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 गुरुजी, दो एक क्या साबित करने के क्या बोले से अजय जी साहब, इन्होंने बताया अपने कागज से क्या क्या डिबेट में बात में, इन्होंने बताया मेरी 20 एकड़ जमीन। अरे नाजिम आप चर्चा को समझिए, नहीं इन्होंने चर्चा की शुरुआत में कहा था दो जिस दो एकड़ की बात कर रहे हैं वो इनकी पत्नी के नाम जमीन है, वो नहीं बोलेंगे कि अपनी जमीन है, सब आप अजीब बात कर रहे हैं। आपने कहा एक नहीं सुनिए, नहीं नहीं आप अब आप चर्चा घुमा रहे राजीव जी, नहीं बिल्कुल घुमा रहे हैं, बिल्कुल घुमा रहे हैं, सब सुनिए। चढ़ूनी साहब ने कहा था चर्चा के शुरुआत में, इन्होंने बताया था क्या क्या, इन्होंने कहा कि जिस दो एकड़ जमीन की बात करें इनकी पत्नी के नाम है, जो इनकी पत्नी के नाम जमीन है तो यही तो कहेंगे मेरी जमीन है, तो क्या गलत बोल रहे हैं? अब आप ये बताइए दो एकड़ और पांच एकड़ का कंफ्यूजन, चढ़ूनी साहब ठीक पूछा ना मैंने, बताइए क्यों काटा गया पांच एकड़ का प्रीमियम? जमीन दो एकड़ है। मेरी बात को दोबारा समझिए जी, दोबारा समझिए। मैं ये कह रहा हूँ हमारे चार भाइयों के नाम 20 एकड़ जमीन अलग से है, सुन लीजिएगा राजीव, मेरी पत्नी के नाम दो एकड़ जमीन अलग से है, हमारे नाम, हमारा नाम बीमा अलग से है, मेरी पत्नी के नाम अलग से है, मेरी पत्नी के नाम दो एकड़ जमीन है, दो एकड़ का ही लोन है, अलग से उसकी जमीन है, उसका पांच एकड़ का काट लिया, अब इससे क्या और क्या सफाई दूं आपको? आप बहुत अच्छी बात, ये अगर इसको कहते हैं, अगर इन्होंने डिबेट पे एडमिट, तो आपको क्या लगता है कागज लेके आए जमीन का भी डिबेट में राजीव बड़े नेता उनकी बात मानते हैं? आप जेट लीजिए, बोलने के आपने कोई जवाब नहीं दिया, इतना जवाब नहीं लगा दिया आपने, इनको कहा ये तो राजीव जी हो सकते हैं, जवाब दीजिए राजीव जी, जवाब दीजिए। मैं क्या एक बात बोलना चाहता हूँ, ये बीमा पॉलिसी की योजना नहीं है, ये कोई अगर क्लेरिकल मिस्टेक है उसको अलग से देखा जा सकता है, लेकिन अगर ये कहते हैं कि मेरी पांच एकड़ जमीन में, एक बार सुन लीजिए, मतलब आपकी गलती नहीं है, चलिए हम मान जाते हैं आपकी कोई गलती नहीं है, चढ़ूनी साहब, चढ़ूनी साहब भगवान से, भगवान से कहिएगा कि आप किसान हैं, आपके साथ गलत हुआ, भगवान से कहिए कि भाई हमें माफ कर दे। देखिए आप रोहित जी अगर इस तरीके से बात करेंगे तो बात करना चाहता हूं, बताइए नहीं आप बताइए बताइए किसान से किसान का संबंध ही नहीं है भाजपा गवर्नमेंट का। गुरनाम सिंह जी से केवल यही बात कह रहा हूं, क्या आप ये कह रहे हैं कि क्लेरिकल मिस्टेक हुई है या जो जमीन का क्षेत्र? अरे साहब ये तो आप बताइए क्या मिस्टेक हुई है, तो आप ईशान मंगवा रहे थे, आप अभी कहते हैं मैं पटवारी को बुलाऊंगा, मैंने केवल आप उल्टा उस पैरों पर लगाने योजना में अगर आपकी दो एकड़ जमीन है तो उसमें पांच एकड़ का मुआवजा नहीं कट सकता। सुभाष जी बड़े संक्षेप में आपको लेकर आऊंगा चर्चा में, आखिर में वक्त बिल्कुल नहीं है क्या सुभाष जी? अरे राजीव जी भाषा की मर्यादा रखे, राजीव जी बिल्कुल नहीं, बड़ी बहस के मंच में राजीव जेटली साहब आपको रोक रहा हूँ, राजीव जेटली साहब, राजीव जेटली साहब आपको रोक रहा हूँ, आप भाषा के ऊपर लगाम लगाइए, आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है आपको किसानों का एबीसीडी, प्रदीप जी रुकिए, प्रदीप जी प्रदीप जी रुकिए, आप गलत बोल रहे हैं, आप तो गलत बोल रहे हैं, प्रदीप जी दो रुपए प्रदेश की जनता ने आपको माफी मांगने,
अरे आपको पूरी जनता देख रही है के नालायक भाजपा के लीडर है, किस तरह भाजपा के नालायक लीडर है, उनको पार्लियामेंट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, ये किसानों के नहीं है। अगर 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 प्रदीप जेलदार साहब आपको रोकूंगा, राजीव जी आप दोनों को आगे देख लूंगा, अब रुक जाइए, प्रदीप जेलदार साहब रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे अपने पैनल से निवेदन है कि हमारे मेहमान है प्रदीप राजीव जेटली साहब, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, किसानों से माफी मांगनी चाहिए, आप किसानों को किसान तो पार्लियामेंट नहीं बोलते, आप किसानों से माफी मांगे, देखो किसानों का चेहरा आपका, आपको शर्म आनी चाहिए, देश का किसान ये बात ये बात ये प्रदेश का किसान तय करेगा, ठीक है ठीक है, प्रदीप जी आप जाइए, प्रदीप जी आप तो रुके, जेलदार साहब जेलदार साहब करने वाले, राजीव जी रुके, राजीव जी साहब रुके रुके, अब देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, ये प्रदेश नहीं नहीं आपको रोक रहा हूँ जेलदार साहब, जेलदार साहब अब आप जैसे मैं कहूंगा कि हमारे दोनों मेहमानों को, मेरा आपसे निवेदन है दोनों मेहमानों से, ये प्रदेश के किसान को तय करने दीजिए, नहीं जल्दी से बाबा रुकिए, नहीं नहीं चर्चा को हाईजैक ना करें, दोनों मेहमानों से निवेदन है, हमने इतनी देर चुपचाप आप लोगों को सुना, लेकिन मुझे लगता है ये प्रदेश का किसान तय करेगा कि शर्म आपको आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, किसी और को आनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल मौलिक सवाल ये था, मैं सब लोगों से कहता हूँ भाषा की मर्यादा इस बड़ी बहस के मंच पे जरूर बनाकर रखे, मेरा तमाम मेहमानों से निवेदन है, मेरा तमाम मेहमानों से निवेदन है, सुभाष जी सुभाष जी क्या साहब के सवाल का जवाब मिला या नहीं, इसका जवाब दे दीजिए, साहब के सवाल का जवाब नहीं मिला, और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि यहाँ पर एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता अगर भाषा कई मर्यादा नहीं रखते तो बहुत ये सदमे वाली बात है, ठीक है, मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ जी जी, जी। अत्रे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब आपसे शुक्रिया भी, और आपको मलाल होगा कि आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं निवेदन करूंगा जेटली साहब से, हम निवेदन ही कर सकते हैं कि अगर मुमकिन हो तो चढ़ूनी साहब और इनके जैसे दूसरे जो किसान हैं उनके सवालों का जवाब जरूर दीजिए, आपकी फसल बीमा योजना को साफ गलत कोई नहीं करार दे रहा, कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं फसल बीमा योजना ठीक है लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं उन्हें दूर किया जाए, तो उन खामियों को अगर आप दूर करें, सुझावों को सुझावों की तरह ले तो शायद बहस सार्थक होगी, सुभाष जी आपका भी शुक्रिया, प्रदीप जेलदार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जेटली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तो बहरहाल बड़ी बहस में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।